दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे रेनबो क्लास 5 के लेसन 6 को, जिसके लेसन का नाम है द क्लेवर फार्मर। तो इस कहानी को हम लोग हिंदी में अर्थ समझेंगे और साथ ही साथ इसमें जो नया वर्ड मिलेगा, मीनिंग वर्ड, आप लोग उसको लिखिएगा, अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से अंग्रेजी का अर्थ निकाल सकें। तो आइए इसको शुरुआत करने से पहले इसमें कुछ न्यू वर्ड्स दिया हुआ है मीनिंग, इसको पहले जान लेते हैं उसके बाद हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए आपका दिया है पहला मीनिंग बुलक, बुलक मतलब होता है बैल। अगला है प्लॉइंग, प्लॉइंग मतलब होता है हल चलाना। एंग्रली, एंग्रली मतलब होता है गुस्से से। टेरेस, टेरेस मतलब होता है सीढ़ीदार खेत या छत भी होता है। काम, CALM, काम मतलब होता है शांत। सो मतलब होता है बीज बोना, जमीन में बीज बोते हैं जब हम लोग। प्लीज्ड मतलब होता है संतुष्ट होना या खुश होना। तो चलिए अब इसके हम लोग कहानी को समझेंगे। तो देखिए ये जो कहानी है एक किसान की है और एक चालाक आदमी है, कोई दबंगई बतिया रहा है उसके अनुसार है ये। तो अभी पढ़ेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा आप लोग अच्छा से। देखिए पहला लाइन में इसका दिया हुआ है दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। ठीक है, इसका हिंदी समझते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर, यानी कि यह एक कहानी एक चालाक किसान की है। क्लेवर मतलब चालाक होता है, फार्मर मतलब किसान होता है, स्टोरी मतलब कहानी होता है। तो यह एक कहानी चालाक किसान की है हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहता है या पहाड़ी पर रहता है। लिव्स मतलब होता है रहना, ठीक है, लिव मतलब रहना होता है, हु मतलब जो का संबंध यहाँ पर आया है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी पर रहता है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ पे किसान सीढ़ीदार खेती करते हैं। देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है टेरेस, टेरेस मतलब छत होता है, लेकिन यहाँ पे जो कहानी है इसमें सीढ़ीदार खेत से संबंधित है। ठीक है, अभी हम लोग इसको मीनिंग में देखे थे, टेरेस मतलब होता है सीढ़ीदार खेत। देख रहे हैं आप लोग चित्र में ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सीढ़ीदार खेत इसको बुलाते हैं। ठीक है, सीढ़ी जैसा दिखाई दे रहा है, ये भी एक खेत होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड, मतलब कि एक बार एक किसान एक पहाड़ी क्षेत्र के नज़दीक, नियर मतलब नज़दीक, एक खेत खरीदा। फील्ड मतलब खेत। क्या हुआ कि मतलब एक बार एक किसान पहाड़ी क्षेत्र के नज़दीक एक खेत खरीदा, उसके बाद ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स एंड विगन प्लॉइंग हिज फील्ड हैप्पीली, फिर उसने एक जोड़ी बैलें खरीदी और विगन मतलब था शुरू करना, प्लॉइंग मतलब हल चलाना, और खेत जोतना शुरू किया। हिज फील्ड हैप्पीली, फील्ड मतलब होता है अपने खेत, हिज फील्ड मतलब अपने खेत, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। तो इसको फिर से देख लीजिए, ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स, फिर उसने एक जोड़ी बैलों की जोड़ी मतलब एक जोड़ी बैल खरीदा, मतलब दो बैल, और खुशी खुशी वह अपना खेत जोतना प्रारंभ किया। बिगन मतलब शुरू करना, प्रारंभ करना। आगे देखिए, हार्डली हैड ही प्लॉवेड हाफ ऑफ द फील्ड When a tall man came and cried out angrily, जब वो खुशी खुशी खेत जोतना प्रारंभ कर दिया था किसान, तभी देखिए hardly, hardly मतलब होता है मुश्किल से या शायद, मुश्किल से उसने आधा खेत जोता ही था, जो है यह लाइन आपका hardly had he ploughed half the field, मुश्किल से उसने आधा खेत जोता ही था। When, तभी ए टाल मैन केम, तभी एक लंबा आदमी आया और गुस्से में चिल्लाया। देखिए जो आउट एंग्रली है उसका मतलब होता है गुस्से में, क्राइड मतलब होता है चिल्लाना। तो जो लंबा आदमी आया और गुस्से में चिल्लाया, क्या चिल्लाया, हे, अरे, यू देयर, तुम वहाँ, मतलब चिल्लाया आकर गुस्से में, हे, अरे तुम वहाँ, माई हाउस इज द फुट ऑफ दिस हिल, मेरा घर इस पहाड़ी के तल पर है, मतलब कि नीचे में है। ठीक है, ये जो फुट मतलब होता है तल,
या नीचे बोल सकते हैं आप, तो मेरा घर इस पहाड़ी के तल पर है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, तुम मेरे टेरेस यानी कि तुम मेरे सीढ़दार खेत पर क्या कर रहे हो। ये जो लंबा आदमी आया वो पूछता है व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, यानी तुम मेरे छत पर क्या कर रहे हो या तुम मेरे सीढ़दार खेत पर क्या कर रहे हो। टेरेस मतलब दो अर्थ होता है, हम बताए पहले ही आपको, टेरेस मतलब छत भी होता है और सीढ़दार खेत भी होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्लीज डू नॉट गेट एंग्री बी कॉम, कृपया गुस्से मत हो, बी कॉम शांत हो जाओ, रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने कहा, यानी किसान ने उत्तर दिया कि कृपया गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ, रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने कहा। आई एम प्लॉइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मतलब कि मैं खेत जोत रहा हूँ, देखिए ना, प्लाइंग द फील्ड मतलब होता है खेत जोतना, बीज बोने के लिए, सीड्स मतलब होता है बीज, सो मतलब होता है बोना। ठीक है, तो सीड्स मतलब बीज बोना। आगे देखिए, आगे बोलता है कि व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब फसल तैयार होगी यानी जब फसल उग जाएगी, ग्रो मतलब होता है उगना, तैयार होना, बढ़ जाना, तो जब फसल तैयार होगी आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, यानी कि मैं शेयर करूंगा प्रत्येक साथ तुम्हारे साथ फसल को। जैसे कि जो किसान बोल रहा है कि जब फसल तैयार होगी तो मैं शेयर करूंगा प्रत्येक साल तुम्हारे साथ फसल को, जो फसल उगेगा आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा। तो इसको इतना पहले एक बार हम लोग फिर से इसको अर्थ को समझ लेते हैं एक बार फटाफट से, तब इसके आगे को बढ़ते हैं पैराग्राफ में। देखिए ये जो कहानी है यहाँ पे लिखे पढ़े हम लोग, ये कहानी एक चालाक किसान की है, क्लेवर मतलब चालाक होता है, चालाक किसान की है जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है जहाँ पे किसान लोग खेती करते हैं, किसान खेती करते हैं, सिरदार खेती खेती करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक किसान एक बैल खरीदता है और दो जोड़ी मतलब एक जोड़ी बैल खरीदता है, ए पेयर मतलब एक जोड़ी बैल खरीदता है और अपने खुशी खुशी खेतों को जोतना प्रारंभ करता है। तभी मुश्किल से एक क्या होता है कि अभी आधा खेत ही जोता रहता है, तभी एक वहाँ पे लंबा आदमी आ जाता है और गुस्से में उसको बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरा खेत जो मेरा घर है, माई हाउस, मेरा घर है इस पहाड़ी के नीचे में है, तल में है, तुम मेरे पहाड़ी क्षेत्र मतलब जो टेरेस है आपका, तुम मेरे छत पर क्या कर रहे हो, वो बोलता है किसान को। तो किसान बोलता है कि प्लीज़ डोंट एंग्री, मतलब गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ, वो किसान ने कहा। ठीक है, अब बोला किसान कि मैं बीज बो रहा हूँ, खेत जोत रहा हूँ बीज बोने के लिए। ठीक है, जब फसल तैयार होगा, जब फसल तैयार होगा तो क्या करेंगे, मैं तुम्हारे साथ फसल को प्रत्येक साल बांटूंगा। ठीक है, इतना बात किसान बोलता है। अब आगे देखते हैं पैराग्राफ। ठीक है, देखिए क्या होता है आगे में। आगे आपका है वन ईयर यू टेक व्हाट ग्रो बिलो द ग्राउंड एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रो अबव द ग्राउंड, मतलब कि जो किसान है बोलता है कि वन ईयर मतलब एक साल तुम लोगे जो जमीन के नीचे उगेगा, जो जमीन के नीचे होगा, मतलब कि टेक मतलब होता है लेना, वाट मतलब जो, यहाँ पे संबंध है, यहाँ पे क्या संबंध नहीं आएगा क्योंकि ये वाक्य में वाट का प्रयोग हुआ है। वाट ग्रो बिलो द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड मतलब जो जमीन के नीचे, एक साल तुम लोगे जो जमीन के नीचे उगेगा, एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक वाट ग्रो अबव द ग्राउंड, अगले साल तुम लोगे जो जमीन के ऊपर उगेगा। देखिए एबव द ग्राउंड मतलब जमीन के ऊपर, ग्रो मतलब उगना या जमना। ठीक है, इस लाइन को समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए द टाल मैन वाज प्लीज्ड, मतलब कि जो लंबा आदमी था वो संतुष्ट हो जाता है। द टाल मैन वाज प्लीज्ड मतलब लंबा आदमी संतुष्ट हो जाता है। किसान ने बोला उसको कि एक साल जो जमीन के नीचे उगेगा वो तुम लोगे और अगले साल जो जमीन के ऊपर उगेगा फसल वो आप लोगे। तो लंबा आदमी क्या होता है, खुश हो जाता है। उसके बाद देखिए ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर प्लान्स, फार्मर्स प्लान,
मतलब कि उसे अंदाज़ा नहीं था, उसे अंदाज़ा नहीं था या उसे विचार नहीं था फार्मर्स प्लान, किसान के इस योजना को, किसान के इस योजना, प्लान मतलब होता है योजना, ऑफ फूलिंग हिम, उसको मूर्ख बनाने की, उसको मूर्ख बनाने की, मतलब जो आदमी लंबा था उसको कुछ अंदाज़ा नहीं था किसान के इस प्लान को, यानी इस योजना को, कि उसको वो मूर्ख बना रहा है। ठीक है, ऑफ फूलिंग हिम मतलब उसको मूर्ख बनाने की, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। आगे देखते हैं, द फर्स्ट ईयर द फार्मर सो व्हीट, सोड व्हीट, मतलब पहले साल, देखिए द फर्स्ट ईयर, पहले साल किसान ने गेहूं बोया, सोड मतलब बोया और व्हीट मतलब होता है गेहूं, पहले साल किसान ने गेहूं बोया, ही टूक ऑल द व्हीट एज इट ग्रू एबव द ग्राउंड एंड गेव द रूट्स टू द टाल मैन विच वेयर बिलो द ग्राउंड। मतलब कि देखिए, पहले साल किसान गेहूं बोया, उस ठीक है, पहले साल किसान ने गेहूं बोया, ही टुक ऑल द व्हीट, और उसने सारा गेहूं ले लिया, टुक मतलब होता है लेना, उसने सारा गेहूं ले लिया, एज इट, क्योंकि यह ग्रीव द एबो, क्योंकि यह जमीन के ऊपर उगा था, क्योंकि देखिए एज इट ग्रीव एबव द ग्राउंड, क्योंकि यह जमीन के ऊपर उगा था, ग्रीव मतलब होता है उगना, एबव द ग्राउंड मतलब कि जमीन के ऊपर, ग्राउंड मतलब जमीन से यहाँ पे संबंध है, और एबव मतलब ऊपर, ठीक है, एंड गेव द रूट्स टू द टाल मैन, और दे दिया जड़ें, रूट्स मतलब होता है जड़ें, लंबे आदमी को, जो विच वेयर बिलो द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे था या जमीन के नीचे उगा था। ठीक है, तो शर्त वही था, पहले करार किया गया था कि पहले साल जो जमीन के ऊपर उगेगा वो हम लेंगे, और जो जमीन के ऊपर उगेगा वो नीचे उगेगा वो आप लेंगे, और अगले साल जो जमीन के नीचे उगेगा वो तुम लोगे, मतलब लंबा आदमी लेगा। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे, देखिए पहले साल किसान गेहूं बो दिया और जो ऊपर का था वो ले लिया, किसान को नीचे का दे दिया, तो किसान को क्या मिला, जड़ मिला केवल। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, और नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कीजिएगा आपको हमको। आगे देखिए, द टाल मैन गॉट एंग्री, मतलब कि लंबा आदमी गुस्सा हो गया, जब उसको जड़ मिला केवल तो क्या हो गया, लंबा आदमी गुस्सा हो गया, ही टोल्ड द फार्मर, मतलब उसने किसान से कहा, ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा, क्या कहा, दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड, मतलब कि ही टोल्ड द फार्मर, उसने किसान से कहा कि अगले समय, मतलब अगली बार, नेक्स्ट टाइम मतलब अगले समय या अगले बार, ही वुड टेक, वह लेगा, वुड टेक, टेक मतलब होता लेना, वह लेगा जो जमीन के ऊपर वाला भाग होगा, देखिए पार्ट विच, जो भाग जमीन के ऊपर उगेगा वो लेगा। ठीक है, यहाँ पे जो गुस्सा हो जाता है तो वो आदमी, जो लंबा आदमी है, वो बोला, वो ही टोल्ड द फार्मर, मतलब वह किसान से बोला, द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो एबव द ग्राउंड, मतलब कि अगले साल जो भाग जमीन के ऊपर, अगले साल क्या बोला, अगले साल या अगले बार जो जमीन के ऊपर उगेगा वो लेगा। ठीक है, द फार्मर एग्रीड, यानी किसान सहमत हो गया, किसान उसकी बातों को सहमत हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है, द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंड नट्स, अगले साल, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले वर्ष, किसान ने मूंगफली बोया, ग्रीव मतलब होता है उगाना, तो मतलब ग्रीव ग्राउंड नट्स, तो अगले साल क्या किया, मूंगफली बोया किसान ने, उगाया, ग्रीव मतलब उगाना, ठीक है, या बोना भी होता है, सोड मतलब बोना होता है, ग्रीव मतलब भी उगाना होता है, तो नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रीव ग्राउंड नट्स, अगले बार मूंगफली बोया। ठीक है, वेन द क्रॉप वॉज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, क्रॉप मतलब फसल, वाज रेडी मतलब तैयार,
When the crop was ready, जब फसल तैयार हो गई. The farmer took all the ground nuts. तो क्या किया फार्मर सभी मूंगफली ले लिया. ग्राउंड नट्स मतलब होता है मूंगफली, ठीक है. तो किसान क्या किया कि सभी मूंगफली ले लिया. एज इट ग्रू द ब्लू ग्राउंड, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, इट ग्रू ब्लू द ग्राउंड, क्योंकि यह जमीन के नीचे उगा था, ठीक है. एज मतलब क्योंकि, यह इट मतलब यह, ग्रू मतलब उगा था, और ये ब्लू द ग्राउंड जमीन के नीचे उगा था. द पुअर टाल मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड, बेचारा लंबा आदमी केवल पत्ता लिया जो कि जमीन के ऊपर उगा था, जो कि जमीन के ऊपर था, ठीक है. जो वो बात डील हुआ था कि हम एक साल जमीन के नीचे कर लेंगे, एक साल जमीन के ऊपर कर लेंगे, तो दूसरे साल वो जमीन के ऊपर दे दिया, तो जमीन के ऊपर इस बार पत्ता उगा था केवल. तो यहाँ पे देखिए इस लाइन को फिर से हम लोग बता देते हैं. द पुअर टाल मैन, पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे बेचारा से संबंधित है, ठीक है. क्योंकि इंग्लिश वर्ड का हर जगह अलग अलग उसका सेंस निकलता है, जैसे जैसे वाक्य आता है उसके अनुसार. तो बेचारा लंबा आदमी, बेचारा लंबा आदमी गॉट ओनली द लीव्स, क्या पाया, केवल पत्ता को पाया, यानी पत्ता मिला उसे. विच मतलब जो, एबव द ग्राउंड जो जमीन के ऊपर था, ठीक है. इन दिस वे द टाल मैन वाज फूल्ड बाई द फार्मर अगेन, मतलब इन दिस वे मतलब इस तरह से लंबा आदमी फूल्ड बाई द फार्मर, किसान द्वारा फिर से बेवकूफ़ बना दिया गया. किसान द्वारा फिर से बेवकूफ़ बना दिया गया. अगेन मतलब होता है पुनः या फिर से. अब देखिए फूल्ड बाई फार्मर मतलब कि किसान द्वारा बेवकूफ़ बना दिया गया, यानी मूर्ख बना दिया गया, ठीक है. तो इसका मतलब यही हो, इन दिस वे मतलब इस तरह से टाल मैन लंबा आदमी वाज फूल्ड बाई द फार्मर अगेन, किसान द्वारा मूर्ख बना दिया गया. तो ये कहानी यहीं पे एंड होता है. और यहाँ पे एक बुक में लिखा है आपका ये क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, मतलब कि चतुराई ज्ञान नहीं है. क्योंकि आप किसी के साथ चतुराई करते हैं, ज़्यादा चलाकी करते हैं, तो आपको ज्ञान अच्छा नहीं है वो, क्योंकि वो नुकसान ही करता है. इसलिए अपने ईमानदारी से जो आपका होता है उसी को काम करना चाहिए. ज़्यादा चलाकी नहीं बनने की कोशिश करना चाहिए. ज़्यादा चलाकी बनेंगे तो वही जो देखिए जो लंबा आदमी था ज़्यादा चलाक बनने की कोशिश कर रहा था, उसके आगे आकर दबंगई बतिया रहा था. तो किसान चलाक था, उसको बेवकूफ़ बनाया अच्छी तरह से, और बुरी तरह से फंस गया वो. उसके बाद वो चला गया चुपचाप. दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के बारे में कमेंट कीजिएगा. हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है, गलत है या सही है, इस पे बारे में भी आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.